जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अननेसेसरी स्किट तनूप नॉर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्राइम डीजल। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का हर जगह हल्ला हो रखा है। ये दो कौड़ी का है, अब किसी के लिए राम तो किसी के लिए हल्ला हो रखा है। आज भी जिन लोगों को लगती है टिकटॉक वीडियोस फनी, देनी तो इस लाइन में गाली थी, लेकिन कैमरा के पीछे खड़ी है मम्मी। गाली नहीं देनी। नाइस। यूट्यूब को बोल रहा है ब्लैक लेबल, टिकटॉक को बोल रहा है पीयर। YouTube को बोल रहा है ब्लैक लेबल, TikTok को बोल रहा है बियर। सस्ती राइमिंग करने से नहीं बन जाता कोई बोरी है। बस कुछ दिन पहले ही हटा था हवा से पोल्यूशन का चाटा, कि इतने में फिर मीटर स्केल पे बढ़ गया क्रिंज का कांटा। यूपी के लड़के में ऐसी क्या कमी रह गई कि हरियाणा की लड़की उन्हें गवार कह गई। इस किट के लिए दो FIR करूंगा मैं रिग्रेट, इस किट के लिए दो FIR करूंगा मैं रिग्रेट। सीधे चलते हैं यूपी यानी क्राइम पेट्रोल का सेट। तो की हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ साइमन से भी लेट ऑन दिस टॉपिक और आप सबका स्वागत है। मैंने आज तक इस चैनल में बहुत क्रूशियल कंट्रोवर्सीज कवर करी है, जैसे कि नूब वर्सेस प्रो, नॉर्मी वर्सेस डैंग, निखिल वर्सेस एक्टिंग, बट आज हद पार हो चुकी है क्योंकि मेरे खुद के साथियों पे ऑनलाइन लांछन लगाया जा रहा है। हालांकि मुझे टैग नहीं किया, बट वीडियो तो बनेगी बिकॉज व्यूज। आज का हमारा मेन मसाला है टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, बट वहां तक पहुंचने से पहले हमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो तो आज हम सबसे पहले एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको इंडियन यूट्यूब में बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड मिल रखा है। अबे चूती। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू क्रिंज। तो ये वर्ड है क्या और इसका असली मतलब है क्या और इसको इंडियन यूट्यूब में इतना हाई स्टैंडर्ड्स पे क्यों रखा जाता है, आइए जानते हैं बेसिक्स से। उर्दू में इसका मीनिंग हुआ कि किसी चीज के बारे में शर्मिंदगी महसूस करना या फिर एम्बैरेसमेंट महसूस करना या फिर अनप्लेजेंट फील करना, तो उसको हम क्रिंज कहते हैं। तो क्रिंज का ओरिजिनल मतलब हुआ करता था एक ऐसी चीज देख लेना जिसको देखने के बाद तुमको बहुत अनप्लेजेंट सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है, जो तुम खुद महसूस करो कि नहीं मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मेरे से आगे नहीं देखा जाएगा। तो हम सबको पता है इंडिया में वर्ड्स का कितना ओवर यूज होता है और वो अपनी एसेंस कितनी जल्दी खो देते हैं। तो वर्ड रोस्टिंग की तरह ही वर्ड क्रिंज ने भी अपनी सिग्निफिकेंस खो दी और वो अपना मतलब कहीं पीछे भूल गया। जो उसका ओरिजिनल मतलब हुआ करता था वो लोग सब भूल चुके हैं और अब क्रिंज का मतलब हो चुका है बेसिकली रोस्ट मटेरियल फॉर रोस्टर्स। क्रिंज जिसको इंडिया के यूट्यूबर्स करियर बोलते हैं, जो चीज नहीं पसंद वो क्रिंज। अब इंडिया में लोगों को लगता है कि जो चीज उनको नहीं पसंद वो ऑटोमेटिकली क्रिंज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें जो लोगों को पसंद भी है लेकिन तब भी वो क्रिंज है। अब कैरी ने चार गाने निकाले, सॉरी। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले ये चीजें जानना जरूरी थी। तो अब हमको क्रिंज की डेफिनेशन पता है और हमको पता है क्रिंज और रोस्टिंग अलग अलग वर्ड है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे टिकटॉक और एक्टिंग में कोई रिलेशन नहीं है। अब क्रिंज की असली डेफिनेशन तुम लोग समझ गए होगे तो मेन फायर यहां से चालू होती है। अब बात कर लेते हैं टिकटॉक की। जी हाँ टिकटॉक, जियो जनता का इंस्टाग्राम। जी हाँ टिकटॉक, जिसे गुड़गांव के रिक्शा वाले रोजगार और यूट्यूबर्स कंटेंट बुलाते हैं। हाँ भोसड़ी के, तेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो अभी एक ऑनलाइन वॉर छिड़ रखी है कि क्या बेटर है टिकटॉक या यूट्यूब, और लोग मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हैं, लोग मेरे मुंह से जानना चाहते हैं कि रीशु तेरा क्या कहना है इस मामले पे। और मैं कहता हूँ यार कोई फर्क नहीं है ज्यादा यार, अब मैं क्या झूठ क्या बोलूं। वहां पे भी लोग स्माइल करके फेमस हो जाते हैं और यहाँ पे भी बस लोग स्माइल ही करके फेमस हो जाते हैं, लेकिन यही बचा था बस। इन लोगों को देख के तो ये लड़की भी कहती होगी नहीं यार एक्चुअल में मैंने मेहनत करी है। तो सीधा मेन मसाले पे चलते हैं कि ये लड़ाई क्या है, क्यों है और कैसे हुई। तो ये लड़ाई चालू एक सिंपल सी वीडियो से, जो कि था एक टिकटॉक रोस्ट जो कि अपलोड किया था एल्विश यादव व्लॉग्स ने। तेरे नाम में व्लॉग्स है, तू बार बार निकल ना कुछ सीख। जिन लोगों को नहीं पता एल्विश यादव कौन है तो मैं बता देता हूँ, अमित भड़ाना अगर तीन पैक मार के घर वापस आए तो उसे एल्विश यादव कहते हैं। विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लो। जी हाँ एल्विश यादव, द वर्स्ट थिंग हैपेंड टू यूपी आफ्टर लक्ष्य चौधरी। तो YouTube पे तो हजारों TikTok रोस्ट पड़े हैं, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि जंग ही छिड़ गई। तो जैसे ही अमित भड़ाना बीटा वर्जन ने ये रोस्ट वीडियो निकाली, TikTok की एक लड़की बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई। लगता है बहुत ऑफेंसिव वीडियो डाली थी भाई ने। जिस TikTok पे मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो उसे बावली गैंड कहते हैं। This is so offensive. I am so offended. Please shut the fuck. तो इसी ऑफेंसिव रोस्ट को देखने के बाद एक TikTok की लड़की बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई, जिसका नाम था रिवॉल्वर रानी। ये रिवॉल्वर रानी कैसा नाम हो, तेरा नाम रिवॉल्वर रानी क्यों? ओके, फेयर, कोई दिक्कत कोई गलती है ही नहीं बहन की। टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी।
तो रिवॉल्वर रानी अपने नाम की ही तरह काफी खराब एग्जांपल्स देती हैं। वो दो प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक और यूट्यूब को दो एग्जाम से कंपेयर करती है, आईआईटी और यूपीएससी। आयरनी ये है कि अगर ये एग्जाम्स क्लियर हो जाते तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आना ही नहीं पड़ता। बहुत खराब एग्जांपल। अगर यूट्यूब आईआईटी के इंजीनियरिंग है ना, आईआईटी से इंजीनियरिंग, तो टिकटॉक है ना वो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, डिप्लोमा में भी बैक है। लक्ष्य क्यों घुसता तू हर जगह भाई, तेरे को पिछली वीडियो में भी मना किया था मत किया कर भगवान के लिए, कहीं तो पीछे हट जा, तेरे को हर जगह। ये टिकटॉक कुछ नहीं होता, अब भी बता रहा हूँ कुछ नहीं होता। लक्ष्य भैया प्यार से बात सुनो, भाई टू भाई टॉक करते हैं प्यार से, मैं आपको बताता हूँ। वो रिवॉल्वर रानी जो टिकटॉक्स बना रही है वो उसका प्रोफेशन है, वो उसकी जॉब है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि यूपी के लड़कों को कैसा लगता होगा लड़की को जॉब करते हुए देख के। ठीक है इस बात को ठान लो, इसलिए पब्लिक में गाली दे, छक्का चुक्का बतावे और वन मिनट टू फैंडम इसीलिए बोल रहा तुम्हें। भाई लक्ष्य तू कैसे समझेगा, तेरी मेंटालिटी कैसे बदलू मैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। टिकटॉक बनाने से ऑटोमेटिकली लड़की नहीं बन जाते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तक तेरे स्टेट में तो किसी ने टिकटॉक चला ही नहीं, सुनता ही नहीं मेरी, FIR करवा दो। टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी। लगता है रिवॉल्वर रानी ने हर टिकटॉक के एंड में जो टिकटॉक फॉर एजुकेशन आता है उसको ज्यादा सीरियसली ले लिया है। टिकटॉक फॉर एजुकेशन वैसे बात में दम तो है, क्योंकि टिकटॉक का कॉलेज बहुत आसानी से बन सकता है। वैसे भी टिकटॉक के कॉलेज में होगा क्या बिना रिजर्वेशन के, सारे छपरी मेजोरिटी में। तुमको याद होगा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि क्रिंज वर्ड का कैसे ओवर यूज करके उसका मीनिंग फेड आउट हो गया, उनमें से एक लक्ष्य का भी हाथ है भाई। इन्हें तो क्रिंज कहना भी क्रिंज की बेइज्जती है, क्रिंज वर्ड भी इनसे बढ़िया है। यू टिकटॉक यू क्रिंज, ऐसा मेरा नहीं लक्ष्य का कहना है। लक्ष्य ऐसा नहीं होता, टिकटॉक बनाने से ऑटोमेटिकली क्रिंज नहीं हो जाते। तूने भी कहा टिकटॉक बनाई आज तक, लेकिन तब भी। एक बात जो मुझे लक्ष्य की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो उसकी दोस्ती। यादव जी के पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उस सब्जेक्ट पे दो वीडियोस बना डाली, समझ रहे हो, दो वीडियोस से इतनी हेट जनरेट हुई कि टिकटॉकर्स की गांड फट गई। इतनी ज्यादा हेट तो मैं इन 2 मिलियन गरीबों से भी नहीं करता। बाय द वे 2 मिलियन गरीबों से ज्यादा है, आखिरी बार जब मैंने 2 मिलियन गरीब देखे थे तो वो शिट। मेरे हिसाब से जो जो कूड़ा टिकटॉक पर भर रखा है मैं उनको आप लोगों के सामने लाऊं। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जिस टिकटॉक पर मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो उसे दबाने की राय कहते हैं। इतना ज्यादा तो इस यादव ने नहीं फेंका होगा जितना ये फेंक लेता है। मुझे लगता है कि लक्ष्य को पता नहीं था कि एल्विश ने खुद टिकटॉक्स बना रखी है, अगर उसे पता होता तो वो इतनी ब्लंट स्टेटमेंट्स कभी ना देता। ठीक है एल्विश भाई को पूरा सपोर्ट है भाई, वो ढूंढना है टिकटॉकर्स का टैलेंट ढूंढना है, देखिए यही को पढ़ाऊंगा गांड जरा मैं ऐसा कर दूंगा। लक्ष्य तेरा पूरा आर्गुमेंट ये कि यू टिकटॉक यू बैड, अगर तेरा यही आर्गुमेंट है तो तू किसी भी सूरत में एल्विश को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद टिकटॉक्स बना रखे हैं। मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, इन लोगों को मैं 4 गालियां देके 2 बार छक्का बुला के आराम से व्यूज पे कैपिटलाइज कर सकता था, लेकिन एज एन इन्फ्लुएंसर गलत मैसेज जाता। अरे बहन गर्दन भूल गई तू वहीं। प्लेटफॉर्म्स बुरे नहीं होते, क्रिएटर्स बुरे या अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं तेरे को समझाता हूँ, गरीब और तेरी वजह से हम पूरे यूट्यूब को गंदा नहीं कह सकते, वैसी कुछ चुनिंदा चूतियों की वजह से हम पूरे टिकटॉक को गंदा नहीं कह सकते। इस बात को समझ। और अब कमेंट सेक्शन में फाइनली टिकटॉक से कितने पैसे लिए बसा के 10 कमेंट आ चुके होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं टिकटॉकर्स की मारने, क्योंकि न्यूट्रल ओपिनियन। जी हाँ टिकटॉक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से भूषण कुमार भी पैसे चुराने को मना कर देता है, वो भी कहते नहीं यार इन लोगों के नहीं चाहिए यार। तो इतना सारा ड्रामा चल ही रहा था तो एक और टिकटॉकर ने सोचा क्यों ना मैं भी बहते चूती आप में हाथ धो लूं। तो कैसे हैं आप लोग, इसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली जिसके नीचे इसने हर एक रोस्टर को टैग कर रखा था, मुझे नहीं किया ये चुदा। इस बंदे का नाम है आमिर सिद्दीकी। एक तो प्लीज नाम से सिद्दीकी हटा ले, जिस सिद्दीकी को हम जानते हैं वो एक्टिंग के लिए फेमस है, और तू भाई नहीं तू पहले नाम बदल, तू नाम बदल के पहले अपना मंजुल रख यार, मंजुल से याद आया, यू नो हु आई एम, सुड़ी के कहां से चुराया ये, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का है ये, मंजुल भुसड़ी के वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, तू रविंदर डाउनी जूनियर है, फर्क होता है दोनों में, समझा करना। लेकिन तू दिल छोटा मत कर, तू भी आयरन मैन है, मैं बताता हूँ कैसे। आयरन मैन आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe, मैन को और क्या बोलते हैं मेल, बाय सॉरी नो फीमेल जोक्स, मेरे थोड़े लक्ष्य इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो गए थे। गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने ट्रैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। तो आमिर भाई बहुत ट्राई हार्ड करते हैं गांवठी दिखने की, गमछे से, एक्सेंट से, बट
इन सब चीजों की जरूरत नहीं है आमिर भाई, वो बालों से ही पता लग गया था। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, कंटेंट चौकीदार। बट नहीं यार, तेरे लिए मैं ठुल्ले की ड्रेस नहीं पहन सकता, तेरे लिए मैं एक्स्ट्रा मैक्स के टॉवल पहन सकता हूँ, क्योंकि चूतिए तेरे पॉइंट्स लक्ष्य से भी बुरे हैं। पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। एक तो पहले जहां से ड्रामा चालू हुआ वो खुद टिकटॉक बनाता है, फिर इसके वीक आर्ग्यूमेंट्स, फिर इसके वीक काउंटर पॉइंट्स, सारी पार्टीज चूतियां। साफ सीधी बात, किसी का भी कंटेंट प्लेटफॉर्म से सुपीरियर नहीं होता। अगर मैं गरीब को यूट्यूब से उठा के टिकटॉक पर डाल दूं तो वो इम्प्लांट्स की जगह प्लांट्स उगाने नहीं लग जाएगा। अगर मैं टिकटॉक से दिनेश को तो प्लीज क्रिंज के नाम पे प्लेटफॉर्म्स को बदनाम करना बंद करो। जो यूट्यूब पे क्रिंज बना रहा है वो टिकटॉक पे भी क्रिंज ही बनाएगा, क्योंकि क्रिंज प्लेटफॉर्म देख के नहीं क्रिएटर देख के आता है। तो लक्ष्य, अगली बार टिकटॉक रोस्ट वाली वीडियो आ रही हो ना, मेरे को इनकी शक्लें जरूर दिखनी चाहिए। तो इसी नोट पे मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं, जाके मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो करो। Hey man. Hey bro, what's up? Fan. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू नो हु आई एम, बाय बाय। इंतजार किया, बच गए चार, शुरू किया इनके लाभ इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करें हम साफ।